आज मैं आपको लेडीज पैंट बनाना सिखा रही हूँ, कैसे आपको नाप लेना है और कैसे नाप के हिसाब से मार्किंग करना है और कैसे बेल्ट बनाना है और कैसे पॉकेट लगाना है और कैसे नीचे की साइड पैंट में ओपन लुक रखना है। इस सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ, इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए और अच्छे से समझिए, जिससे पैंट बनाने में आपको आसानी हो और कहीं पर भी पैंट में मिस्टेक ना हो। पैंट बनाने के लिए हमने लिया है 2 मीटर कपड़ा। अब हम इसको फैला लेंगे। तो कपड़े को हमने सीधे के साइड से फैला दिया है और पलट कर इसको उल्टा कर दिया है। अब ये कपड़ा उल्टा हो गया है। मार्किंग करेंगे हम उल्टी साइड से। तो कटिंग करने से पहले आपको बॉडी से इस तरह नाप लेना है। पहला नाप रहेगा लंबाई का कि आप कितनी लंबाई पैंट की रखना चाहते हैं, और दूसरा नाप रहेगा हिप साइज का, और तीसरा नाप रहेगा कमर की गुलाई का जहां से आप नारा बांधते हैं, और चौथा नाप रहेगा घुटने की साइज का, और पांचवा नाप रहेगा नीचे की मोहरी का कि आप कितना लूज उसको बनाना चाहते हैं। ठीक है, इस तरह आपको नाप लेना है और लिख कर रखना है। इसी नाप के हिसाब से कटिंग करेंगे। तो नाप को लिखने के बाद उसी नाप के हिसाब से आपको निशान लगाते जाना है। ठीक है, तो जैसे कि इस पैंट की मैं लंबाई रख रही हूँ 36 इंच। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है कि कपड़े को सीधा करना है। कपड़े को पहले सीधा कर लिया। सीधा करने के बाद यहाँ पर मार्जिन लेना है। पैंट में नीचे की साइड 2.5 इंच का मार्जिन देंगे। एक निशान लगा लीजिए मार्जिन का। अब इधर से ही आपको पैंट की लंबाई का निशान लगाना है। तो जैसे कि पैंट की लंबाई रखना है मुझे 36 इंच, तो ये हो गया है फिक्स 36 इंच। इसमें 1 इंच का बेल्ट बनाएंगे तो यहाँ पे हमने 1 इंच माइनस कर दिया, तो ये होगा 35 इंच। 35 में 1/2 इंच ऊपर की साइड मार्जिन ले लेंगे और इस निशान को सीधा करेंगे। ये हो गई है लंबाई, 1 इंच का इसमें बेल्ट बन जाएगा। तो अब हमें निशान लगाना है हिप साइज का। जो भी हिप साइज आती है उसका चौथाई भाग निकालिए। जैसे इसमें हिप साइज है 36 इंच, 36 का चौथाई भाग होगा 9 इंच। तो ये निशान लगा दिया है हमने 9 इंच पर, और 1 इंच की इसमें लूजिंग मिला देंगे। तो 1 इंच इस तरह आपको बढ़ा देना है और निशान लगा लेना है। तो अब हमें निशान लगाना है आसन की साइज का। तो जैसे कि हिप साइज इसमें आई है 36 इंच, 36 का चौथाई भाग होता है 9 इंच, तो यहाँ पर 9 इंच रखेंगे और 1 इंच को एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इस तरह आपको इस निशान को सीधा करना है। अब यहाँ पर 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो इस तरह आपको यहाँ पर 2 इंच बढ़ाना है, जिससे थाई की साइज में ऑटोमेटिक ही लूजिंग आ जाती है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो भी साइज होती है उसका हाफ करना है। इस तरह इसको पलट लीजिए और यहाँ पर एक 20 सेंटर में निशान लगा लीजिए। अब यहाँ पर जो भी साइज आती है उसका निशान इधर लगा लीजिए। इस तरह आपको दोनों साइड इसका निशान लगा लेना है। अब इस निशान को सीधा करना है, तो इस तरह हम मिला देंगे। इस तरह आपको बीच का सेंटर मिल जाएगा। अब पैंट की जो भी लंबाई होती है उसका आपको लंबाई में हाफ करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको घुटने की साइज आसानी से मिल जाएगी। इस तरह आपको घुटने की साइज निकालना है। ये आप चाहें तो घुटने की लंबाई का भी नाप ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो भी घुटने की साइज होती है, जैसे कि इसमें घुटने की गुलाई है 15 इंच, 15 का हाफ आएगा 7.5 इंच। तो इस तरह आपको रखना है, 3 इंच 2 पॉइंट इस साइड निशान लगाएंगे और 3 इंच 2 पॉइंट इस साइड निशान लगाएंगे। अब इस निशान को सीधा करना है। अब नीचे की साइड जो भी मोहरी होती है उसका निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें मोहरी की साइज है 12 इंच, 12 का हाफ होता है 6 इंच। अब 3 इंच यहाँ पर रहेगा और 3 इंच यहाँ पर रहेगा इस तरह। तो इस तरह आपको हिप साइज मिल जाएगी, घुटने की गुलाई और नीचे की मोहरी की साइज। उसके बाद यहाँ पे आपको गुलाई बनाना है, तो इस तरह गुलाई बना दीजिए। आपको सेफ अंटी से इन निशानों को मिलाना है। इस तरह इसको मिलाते हुए इस तरह घुमाते जाइए। अब सेफ अंटी को इस साइड पलट देंगे। यहाँ पर हल्की सी गुलाई ऊपर की साइड को देना है। इस तरह मार्किंग करने के बाद अब आपको ध्यान देना है ऊपर की साइड, जिससे बेल्ट फिटिंग से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जो कमर की साइज होती है, कमर की जो भी गुलाई है, उसके हिसाब से आपको निशान लगाना है, जिससे बेल्ट में फिटिंग आएगी। तो यहाँ पे जैसे कि कमर की गुलाई है 31 इंच, 31 का चौथाई भाग होता है 7.5 इंच, तो ये निशान आ जाएगा 7.5 इंच पर, और 1 इंच की इसमें लूजिंग है। तो इसको छोड़ते हुए अब यहाँ पे देखना है कि कितना एक्स्ट्रा बच रहा है। तो
तो जैसे कि इसमें एक्स्ट्रा बच रहा है सवा इंच, तो सवा इंच हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो सवा इंच का आपको क्या करना है कि पौने एक इंच, मतलब कि आधा इंच में एक पॉइंट एक्स्ट्रा, इस तरह आपको सवा इंच निकालना है, आधा इंच और एक पॉइंट, और इसकी लंबाई रखेंगे 5 इंच। ये बनेगी इसमें प्लेट। तो यहाँ पे ये प्लेट बन जाएगी। अब आपको आधा इंच यहाँ से गुलाई देना है, तो इस तरह कट कर दीजिए, इस तरह आपको घुमाते हुए निशान बना देना है, इस तरह झुका देना है थोड़ा सा आधा इंच नीचे की साइड। उसके बाद बस आपको इसी निशान पे इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको इसकी टक्स का निशान लगाना है। टक्स का निशान लगाने के बाद अब आपको यहाँ पर पॉकेट के लिए निशान लगाना है। तो 2 इंच यहाँ पर रखेंगे, मीडियम साइज में आपको निशान 2 इंच पर लगाना है और लंबाई में 6 इंच पर रहेगा, जिससे 5 इंच में बनकर कंप्लीट हो जाएगी इस तरह, ठीक है, अच्छे से आ जाएगा और हाथ में लूज भी रहेगा। अब इस निशान को तिरछा करना है, इस तरह मिला देंगे, एक कट यहाँ पर लगाएंगे और एक कट यहाँ पर लगाएंगे। अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है। तो इस तरह आपको आगे के पार्ट की कटिंग करना है। अब इसी पार्ट को उठाकर हम पीछे के पार्ट की कटिंग करेंगे, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि आगे के पार्ट से पीछे के पार्ट में कितना चेंज किया जाता है। तो ये कपड़ा जैसा लंबाई में रखा हुआ था वैसा ही हमने इसको रख दिया है और इसको आगे की साइड बढ़ा दिया है। अब आपको क्या करना है कि आगे के पार्ट को उठाना है और इसके ऊपर सेट करना है। तो नीचे से मिलाते हुए हम इसको रखेंगे इस तरह। तो इस तरह आपको बराबर से नीचे से मिलाते हुए इसको सेट करना है। सेट करने के बाद अब आपको ध्यान देना है ऊपर की साइड। इसके बेल्ट के लिए हम निकालेंगे बकरम और इलास्टिक। तो ये ले ली हमने 1.25 इंच चौड़ी इलास्टिक, तो इसको हम यहाँ पर रख देंगे, और एक ले ली है बेल्ट के लिए बकरम। तो पहले हम बकरम को रखेंगे इस तरह, ठीक है, पहले बकरम को रखना है आपको दबाते हुए, आधा इंच इसको दबा कर रखेंगे इस तरह, ये जाएगा सिलाई मार्जिन में, और इसके बराबर से बकरम आ जाएगी, और एक निशान यहाँ पर लगा देना है इस तरह। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे, इस तरह आपको सीधा करना है। उसके बाद क्या करना है आपको कि ऊपर की साइड लेना है इलास्टिक के लिए मार्जिन, जो भी इलास्टिक की साइज है उसके हिसाब से ऊपर की साइड मार्जिन लेना है। तो पहले आपको निशान लगाना है इलास्टिक के बराबर से, उसके बाद आपको आधा इंच और मार्जिन लेना है जिससे पलट कर आएगा। अब इस निशान को आपको इस तरह मिलाना है, ऊपर की साइड हम 2 इंच यहाँ पर बढ़ा देंगे और इस निशान को इस तरह तिरछा कर देंगे। अब इसके बराबर से आपको इस तरह निशान मिलाना है, तो इसके बराबर से आपको इस निशान को मिलाना है ऊपर की साइड, ये मिल गया है इधर, और एक निशान मिलाना है इसके बराबर से। अब पहले आपको इस निशान को सीधा करना है, इसी के बराबर से इस तरह सीधा कर लीजिए, इस तरह सीधा किया। अब यहाँ पे आपको 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, तो इस तरह पहले आपको इस लाइन को सीधा करना है, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ाना है, इस तरह आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर गुलाई देना है। तो ये निशान बिल्कुल इसी के बराबर से लगाना है आपको, जिससे पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। उसके बाद बस आपको यहाँ पे निशान लगाना है 2-2 इंच का। तो जो भी मार्जिन होता है पैंट में यूज, वो निशान यही रहता है, 2 इंच का मार्जिन पूरे पैंट में यूज हो जाता है। और इस साइड आपको कुछ भी नहीं करना है, इस साइड बढ़ाना है और इस साइड कुछ भी नहीं करना है, बस इस तरह मिला देना है। अब इस निशान को सेफ हंडी से मिला देंगे इस तरह। तो इस तरह आपको इसके निशान लगाना है। निशान लगाने के बाद अब इस लाइन को यहाँ पर मिला देना है, इसकी कटिंग आपको इधर से करना है। तो अब हम निशान पर ही इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह आपको पीछे के पार्ट में चेंज करना है और काट कर निकाल लेना है। अब आपको क्या करना है कि जो भी बकरम की साइज होती है उसी से आपको आधा इंच कपड़े को बढ़ा कर लेना है बेल्ट के लिए,
तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं कि ये कपड़ा अभी डबल में रखा हुआ है, ठीक है, ये डबल में रखा हुआ है और बेल्ट के लिए बकरम को इसके ऊपर रखिए और आधा इंच नीचे की साइड बढ़ा कर लीजिए, जिससे पलटने में यूज हो जाएगा, ठीक है। बेल्ट के लिए आपको इस तरह कपड़ा निकालना है। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर जो प्लेट आगे की साइड बनी हुई है उसी को आपको पीछे की साइड भी बनाना है, तो इसको मिलाकर रखेंगे और निशान ले लेंगे इस तरह। एक प्लेट इसके पीछे की साइड भी बनेगी। तो इस तरह पैंट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब निकालेंगे हम इसके लिए पॉकेट, बचे हुए कपड़े से पॉकेट निकालेंगे। तो इसे मैंने साइड से रख दिया है और इस बचे हुए कपड़े को उठा लिया है। तो इस तरह आपको एक पीस निकालना है और उसको पलट कर डबल में करना है और फिर इसको हम एक बार और डबल कर देंगे। तो ये हो गया है चार लेयर में, जिससे दोनों पॉकेट एक साथ निकल आएंगी। तो पॉकेट की लंबाई और चौड़ाई आपको कैसे रखना है यहाँ पे ध्यान दीजिए। टक्स के बाहर की जो भी साइज है उसको चेक करना है, जैसे कि इसकी साइज आ रही है 5 इंच 2 पॉइंट, और लंबाई में देखना है आपको कि जहाँ से गुलाई खत्म होती है पॉकेट उधर तक ही रहेगी, तो पॉकेट रहेगी इसकी 9 इंच तक, ठीक है। तो इस तरह आपको कपड़ा निकालना है। 5 इंच 2 पॉइंट ये हो गया फिक्स और ये आधा इंच का ही मार्जिन हो जाएगा और यहाँ पे लंबाई रखेंगे इसकी 9 इंच। 9 इंच इसकी लंबाई रखी है, 5.6 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। अब आपको पॉकेट में क्या करना है, बस इस तरह गुलाई देना है। यहाँ से 2 इंच की दूरी से इस तरह गुलाई दे दीजिए। आप चाहो तो इस तरह नाप कर भी निशान लगा सकते हो। तो यहाँ पर ज्वाइंट वाली साइड रहेगी और ये जो निशान जा रहा है वो जाएगा खुली वाली साइड। यहाँ पर इसको खोल देंगे जिससे दोनों पॉकेट अलग अलग हो जाएंगे। तो इस तरह आपको एक साथ दोनों पॉकेट की कटिंग करना है। और मैं आपको अच्छी फिटिंग के लिए एक आइडिया बता देती हूँ कि जब भी आप पैंट के लिए कपड़ा खरीदते हैं तो आपको मोटा कपड़ा लेना है। तो जैसे कि मैंने एक कपड़ा लिया है कॉटन का स्ट्रेचेबल, स्ट्रेचेबल कपड़े में बहुत सुपर फिटिंग आती है। तो इस तरह आप कपड़ा लेंगे तो आपका पैंट बहुत अच्छी फिटिंग के साथ बनकर तैयार होगा। और अगर आप नॉर्मली कपड़े में पैंट बनाते हैं तो आपको लूजिंग थोड़ा ज्यादा बढ़ा कर रखना है, ठीक है। तो अब हम इसे सिलना शुरू करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से वीडियो पर लाइक कर दीजिए, फिर सिलना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम आगे के पार्ट से सिलना शुरू करेंगे। तो ये जैसे पार्ट रखे हुए थे वैसे ही हमने दोनों पार्ट को उठा लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को पीछे की साइड लेना है। इस साइड ले लेंगे तो इस साइड भी हम निशान लगा लेंगे इस तरह। तो ये निशान इस साइड भी आ गया है। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। अब आपको क्या करना है कि इस तरह मिलाते हुए इसको पकड़ना है। दूसरी साइड निशान लगाने के बाद बस मिलाकर रखिए और आसन की गोलाई से सिलाई घुमा दीजिए। आधा इंच के हिसाब से सिलाई को आपको घुमाते हुए डाल देना है। इस तरह आपको गोलाई से आसन में सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको एक टक्स बनाना है। तो इस तरह आपको पकड़ना है, कट से कट मिलाइए और बस पकड़ते हुए इसमें सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको दोनों टक्स बनाना है और टक्स बनाते समय आपको ध्यान देना है कि कपड़ा यहाँ पर बिल्कुल भी नोक ना बनाए। तो इस तरह आपको फिनिशिंग के साथ टक्स को बनाना है। यहाँ पर देखिए कि धागे को हमने बिल्कुल कपड़े में मिला दिया है, जिससे यहाँ पर बिल्कुल भी नोक नहीं बनेगी, ठीक है। इस तरह आपको टक्स बनाना है। अब आपको क्या करना है कि एक टक्स को इस साइड फोल्ड करना है और दूसरी टक्स को इस साइड फोल्ड करना है। इस तरह इनको मोड़ दीजिए। उसके बाद अब हम बनाएंगे पॉकेट। पॉकेट के लिए जो निशान बना है उसी पे आपको तिरछा करना है और अच्छे से नाखून लगा देना है। अब ये निशान इस साइड आ जाएगा, ये निशान आपको इस तरह दिख जाएगा। अब इसको सीधा रखिए और उठाइए पॉकेट। तो इसको सीधा रखना है और पॉकेट को उल्टा रखना है। पॉकेट की सीधी साइड ए है, ठीक है। अब इसको मिलाकर इस तरह रखेंगे और तिरछा निशान इस साइड से डाल देंगे। तो जैसे निशान लगा हुआ था उसी तरह हमें सिलाई को डालना है। तो आप इस तरह एक बार फिर देखिए कि इस तरह मिलाकर रखेंगे और इसी निशान पर हम सिलाई चला देंगे। तो इस तरह हमने इसमें तिरछी सिलाई डाल दी है। अब आपको ध्यान देना है कि जिसमें ये निशान लगा हुआ है उस कपड़े को आपको 2 पॉइंट छोड़ना है
और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल लेना है। अब इसको लेना है और सीधा पलट देना है इस तरह। अब इसको फोल्ड करते हुए यहाँ पे हम सिलाई डाल देंगे। इस तरह मिलाया और इसमें आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमा देंगे। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद इसमें आप इंटरलॉक कर दीजिए, जिससे और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, या फिर आप चाहें तो इसमें डबल सिलाई कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसे पकड़ना है और अंदर की साइड पलट देना है इस तरह। सिलाई के पास से ही कपड़े को इस तरह अच्छे से फोल्ड करते आइए। इस तरह अच्छे से इसको दबा देना है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जो पॉकेट का कपड़ा है इस साइड का, उसके ऊपर सिलाई चलाना है, जिससे कपड़ा बाहर की साइड को ना निकले। तो इस तरह एक सिलाई आपको दो पॉइंट की दूरी से इसमें चला देना है। इसके नीचे के कपड़े को पकड़ना है, इसको पकड़ते हुए और इसके ऊपर से आपको सिलाई डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा फिर हम काट कर निकाल देंगे। तो इस तरह आपको कपड़े को दबाते हुए इसमें सिलाई डालना है। उसके बाद इसको पलटना है और एक सिलाई इसके ऊपर से डालना है इस तरह। इस तरह मिलाकर रखिए और दो पॉइंट की दूरी से इस सिलाई को डाल दीजिए। तो इस तरह हमने इसके ऊपर से सिलाई डाल दी है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसके पीछे जो भी थोड़ा कपड़ा बचता है उसे काट कर निकाल दीजिए। अब ये पॉकेट बनकर कंप्लीट हो गई है। इस तरह आपको इसे अंदर की साइड डाल देना है और यहाँ पर पिन लगा लेना है। इस टक्स को इसके अंदर इस तरह दबा देंगे और यहाँ पर मिलाते हुए बस आपको पिन लगा कर रख लेना है। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी पॉकेट को भी बनाकर तैयार करना है। तो आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो दोनों पॉकेट को बनाने के बाद अब इसमें बनाएंगे हम बेल्ट। तो आपको क्या करना है कि इसके कपड़े को उठाना है और इसकी बकरम, अब दोनों को मिलाकर इसको चिपका लीजिए। यहाँ पर आधे इंच कपड़े को छोड़िए और बकरम को मिलाते हुए आपको चिपका लेना है। और यहाँ पे ध्यान देना है कि इसका जो रबड़ प्रिंट होता है वो नीचे की साइड रहे। इस तरह आपको बस रखना है और इसको चिपकाना है। तो इस तरह आपको बकरम पर प्रेस करके अच्छे से बकरम को सेट करना है। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर मिलाकर इसको रखना है और बकरम के नीचे नीचे सिलाई चलाते जाना है। इस तरह बस मिलाते जाइए और घुमाते हुए इसमें सिलाई डालना है। और फिर यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा बढ़ेगा उसे काट कर निकाल देना है। तो इस तरह आपको बकरम के नीचे नीचे इसमें सिलाई डालना है। सिलाई डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक सिलाई आपको ऊपर के कपड़े में डालना है, इसको आधा इंच पलटना है और उसके ऊपर सिलाई डालना है। और फिर हम इसको पीछे की साइड पलट देंगे, लेकिन अभी इसको साइड से रखेंगे और पीछे के पार्ट को तैयार करेंगे, जिससे इसके जो साइड के जॉइंट होंगे वो फिनिशिंग के साथ बनकर तैयार हो जाएंगे। इसको भी हम साइड से रख देते हैं। तो अब हमने पीछे के पार्ट को रख लिया है। अब आपको क्या करना है कि इस टक्स को इस तरह सीधा मिला देना है ऊपर की साइड को और यहाँ पे टक्स बना देंगे। और अगर आप पीछे की साइड टक्स नहीं बनाना चाहते हैं तब भी चलेगा, क्योंकि यहाँ पर इलास्टिक डल जाएगी, लेकिन इलास्टिक के डालने से यहाँ पर फूलापन रहेगा, इसलिए टक्स से यहाँ पर भी फिटिंग आ जाती है। अब इसी टक्स को हमें पीछे की साइड लेना है। तो इसे उठाएंगे और इसको पलट कर रखते हुए निशान इस साइड बना देंगे। अभी टक्स का निशान इस साइड भी आ गया है। अब बस मिलाकर इसे पकड़ना है और इसी के ऊपर आपको सिलाई चलाते जाना है। जैसे निशान बना है बस वैसे ही आपको सिलाई डालते जाना है। तो ये दोनों पार्ट में हमने प्लेट बना दी है। प्लेट को बनाने के बाद अब आपको इन दोनों पार्टों को इस तरह मिलाकर पकड़ना है। इस तरह मिलाकर पकड़िए और आधा इंच के हिसाब से इसमें सिलाई डाल दीजिए। इस तरह घुमाते हुए आपको सिलाई ले जाना है। तो इसके आसन में हमने सिलाई डाल दी है। सिलाई को डालने के बाद अब आपको क्या करना है कि इसी निशान से कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है। इस सिलाई को इस तरह रखेंगे, प्लेटों को इस तरह करना है आपको, और फिर इसी निशान से इस तरह कपड़े को पलट देंगे।
तो अच्छे से आप कपड़े को सेट कर दीजिए। उसके बाद आधा इंच कपड़े को अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पर पिन लगा देंगे। कपड़े को बस इस तरह आपको फोल्ड करते जाना है और किनारे से इसमें सिलाई डालते जाना है। इस तरह बस फोल्ड करते जाइए और सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह आपको इसमें सिलाई डालना है। सिलाई को डालने के बाद अब लेना है आपको इलास्टिक। इलास्टिक आपको कैसे निकालना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आसन की जो सिलाई है उससे हमने 4 अंगुल बढ़ा कर लिया है। इस तरह उंगलियों को रखना है आपको और इलास्टिक को काट कर निकाल लेना है। ये आसन के बराबर रहा इधर से और यहाँ पर इतना एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब आपको एक सेफ्टी पिन लेना है और उससे आपको इलास्टिक डाल देना है। सेफ्टी पिन से इलास्टिक डाल दीजिए। तो इस तरह आपको अच्छे से इसमें मिलाते हुए इलास्टिक को डाल देना है और इसे खींच देना है जिससे पूरे में इलास्टिक अच्छे से मिल जाएगी। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर एक पिन लगा कर रखना है। सेफ्टी पिन को हटा देंगे और यहाँ पर एक पिन लगा देंगे जिससे निकलने का डर नहीं रहेगा। इस तरह आपको पिन से रोक लेना है और फिर इसमें आपको ऊपर से 2 सिलाई चलाना है। एक सिलाई इसके 2 पॉइंट की दूरी से और एक सिलाई इस सिलाई की 2 पॉइंट दूरी से। यहाँ पे मैं आपको निशान लगाकर दिखाती हूँ। एक सिलाई इधर चलेगी और एक सिलाई इसकी इधर चलेगी। कपड़े को इस तरह खींचना है और बस सिलाई डालते जाना है। इस तरह आपको इलास्टिक खींचते हुए इसमें 2 सिलाई डालना है। सिलाई को डालने के बाद अब हम इसको लंबाई में रख देंगे। इसको हमने लंबाई की साइड से सीधा फैलाकर रख दिया है। अब आपको उठाना है इसके आगे के पार्ट को और आगे के पार्ट को उल्टा रखना है। यहाँ से मिलाकर रखिए इस तरह और इस कपड़े को पीछे की साइड पलटना है। यहाँ पर पीछे की साइड कपड़े को पलट दिया है और यहाँ पर पिन लगा लिया। अब आपको यहाँ पर बस कपड़े को मिलाते जाना है इस तरह। तो इस तरह आप बराबर से मिलाते जाइए और इसमें सिलाई डालते जाइए। इस कपड़े को पीछे की साइड रखना है जिससे ये जो साइड वाला जॉइंट है ये बड़ी फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि इसी तरह आपको दूसरी साइड करना है कि इस कपड़े को पीछे की साइड पलटना है। बकरम को मिलाकर रखना है और इसे पीछे की साइड पलट देंगे और बस मिलाते हुए आपको सिलाई डालना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक पिन यहाँ पर लगा कर रखना है आसन की साइड जिससे दोनों आसन बराबर से हो जाएंगे। इस तरह रहेंगे, ठीक है। तो ये आगे का जो आसन है वो छोटा रहेगा और पीछे का आसन बड़ा रहेगा। और यहाँ पर जो भी लूज हो रहा है ये इसको इस तरह छोड़ना है। आपको बस बराबर से मिलाते हुए सिलाई को ले जाना है। और यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है थोड़ा कि यहाँ पर हमने जो 2.5 इंच का मार्जिन लिया था उसके हिसाब से हमें यहाँ पर 2 इंच का खोलना है, ठीक है। और पिन 2 इंच का रहेगा। आप चाहो तो इंची टेप से भी नाप कर चेक कर सकते हो। तो इस तरह आपको इंची टेप से मिलाते हुए इसको रखना है। इसको पलट कर फिर यहाँ पे सिलाई डाली जाएगी। तो अभी सिलाई हमें कहाँ तक चलाना है फिर आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कि इसको पीछे की साइड पलट कर लेना है और 1/2 इंच के हिसाब से सिलाई को लाना है। सीधा डालते हुए यहाँ पर रोक देंगे। तो इस तरह आपको मिलाते हुए लंबी सिलाई को डाल देना है। उसके बाद इसको पलट देना है। आप पलट देंगे तो इस तरह ये जॉइंट फिनिशिंग के साथ लग जाएगा। अब आपको क्या करना है, दोनों साइड पलटना है। इस तरह दोनों साइड पलटना है। पलटने के बाद अब आपको बेल्ट के नीचे नीचे सिलाई डालकर इस कपड़े को सेट करना है। बेल्ट का जो कपड़ा था ये अभी खुला हुआ है, अब इसको हम सेट करेंगे। तो आपको सिलाई बेल्ट के नीचे नीचे चलाना है, ठीक है। सिलाई इसके किनारे से चलेगी। तो इस तरह हमने बेल्ट के नीचे नीचे सिलाई डालकर इसको सेट कर दिया है। इस तरह आपको सेट करना है। इसके बाद अब हमें नीचे की मोहरी तैयार करना है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो हमने सिलाई को रोका था उसी के बराबर से कपड़े को इस तरह करना है। बराबर से कपड़े को फोल्ड करते जाइए।
तो इस तरह आपको दोनों साइड कपड़े को फोल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पर इंटरलॉक करना है, या आप चाहें तो यहाँ पर थोड़े से कपड़े को दबाते हुए सिलाई डाल सकते हैं। सीधी सिलाई इस तरह डाल दीजिए, मैं इसमें इंटरलॉक करूंगी। उसके बाद आपको क्या करना है कि बस इधर से सिलाई को ले जाते हुए यहाँ से टर्न करते हुए मशीन को निकालना है और इस साइड रोकना है। यहाँ पर मैं इस तरह आपको दिखाती हूँ, इधर से सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ से निकालते हुए मशीन को यहाँ पर लास्ट करेंगे, ठीक है। एक साइड से शुरू करते हुए सिलाई डाल देंगे। तो इस तरह हमने नीचे की साइड इसे ओपन कर दिया है। अब आपको बस क्या करना है कि यहाँ पर मिलाते हुए इसमें सिलाई डालना है। अभी ये छोटा बड़ा है तो आपको इस तरह मिला देना है, बस मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई चलाते जाइए। इस तरह बस घुमाते हुए आपको पूरी सिलाई को कंप्लीट करना है। तो इस तरह हमने नीचे वाली सिलाई को डालकर कंप्लीट कर दिया है। आपको बस इस तरह सिलाई घुमाकर इसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो हमने मार्जिन लिया था, अब आपको उसी मार्जिन को अंदर की साइड पलटना है। तो इस तरह इस कपड़े को फोल्ड कर देंगे। इस तरह फोल्ड करिए और किनारे से सिलाई डाल दीजिए। आप चाहें तो यहाँ पर पिन लगा सकते हैं, जिससे आपको कपड़ा संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में बहुत आसानी होगी। इस तरह आपको पिन से रोकना है और किनारे से सिलाई डालना है। तो इस तरह आपको मोहरी बनाकर इसे तैयार करना है। अब सेम आइडिया से आपको दूसरी मोहरी को भी तैयार करना है। उसके बाद बस अब आपको क्या करना है, इसे पलट कर सीधा करना है। वो पैंट बनकर तैयार हो गया। तो पैंट को हमने सीधा करके रख दिया है। अब आपको क्या करना है कि दो बद्दी बनाना है और यहाँ पर लुक लगा देना है, जिससे आप चाहें तो इसमें बेल्ट भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आपको रखना है और इसकी किनारे से सिलाई डाल देना है। एक सिलाई इधर से डालना है और दूसरी सिलाई इधर से डालना है। एक यहाँ पर लगेगी और एक यहाँ पर लगेगी, पॉकेट की साइड आपको लगा देना है, और एक रहेगी पीछे की साइड। इस तरह हमने पीछे की साइड लगा दी है। अब आपको बस क्या करना है कि नीचे की साइड बटन लगाना है। वो पैंट बनकर रेडी हो गया। तो एक बटन यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा इधर और तीसरा इधर। इस तरह यहाँ पर बटन लग जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह आप स्ट्रेचेबल कपड़े से बिल्कुल रेडीमेड पैंट की तरह बनाकर तैयार कर सकते हैं, और इसकी फिटिंग बिल्कुल जींस के पैंट की तरह आती है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए, और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू, धन्यवाद। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके।